अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम कुकिंग पॉइंट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी खड़े मसाले के कीमे की रेसिपी। ये बहुत ही झटपट बन जाता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मसाला पीस लेंगे। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून साबित धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून सफेद जीरा, 1 टी स्पून काली मिर्च। हम ये तीनों चीजों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और इसे मोटा दरदरा पीस लेंगे। खड़े मसाले का कीमा बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पैन में 1/4 कप के करीब तेल डाला है। हमारा तेल गरम हो गया है, हम इसके अंदर साबित मसाले डालेंगे। एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और 3-4 लौंग डालेंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। हमने इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह स्लाइस में काट लिया है। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हम प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है, हम इसके अंदर कीमा डालेंगे। हमने यहाँ पर 300 ग्राम कीमा लिया है, यह हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा है। हमें यहाँ पर मोटा कीमा ही यूज करना है। हम कीमे को कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। हमारे कीमे का कलर चेंज हो गया है। हमने यहाँ पर 8-10 लहसुन की कलियों को इस तरह कद्दूकश कर लिया था। 1 इंच के अदरक के टुकड़े को भी हमने इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। हम इसके अंदर इस तरह की लाल गोल मिर्ची डालेंगे। हमने यहाँ पर इस तरह से गोल वाली 5 मिर्चें ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पर 3 मिर्चों को इस तरह से तोड़ के डालेंगे और 2 मिर्ची को अक्खा डालेंगे। अगर आपके पास गोल मिर्ची नहीं है तो आप इस तरह से लाल मिर्ची को भी तोड़ के डाल सकते हैं। हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने यहाँ पर धनिया, जीरा और काली मिर्च को मोटा दरदरा पीसा है, ये डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम इसके अंदर 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छी से मिला के हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि हमारा कीमा अच्छी से पक जाए। हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा कीमा अच्छी से गल जाए। दस से 15 मिनट हो गए हैं। देखिए हमारा कीमा अच्छी तरह से पक गया है। हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। इस तरह से मोटी वाली हरी मिर्चें डालेंगे, जुलियन कट अदरक डालेंगे और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे कवर करके हम 2 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, हमारा कीमा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अगर आप इसी तरह की मजेदार कीमे की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप हमारे कीमे की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। देखिए हमारा जबरदस्त सा खड़े मसाले का कीमा बनकर तैयार है। ये बहुत ही मजे का बना है। आप हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।